कैसे हैं आप लोग। तो मारुति सुजुकी ने इस साल अपनी बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च करने का फैसला किया है, जैसे कि बुलेनो, विटारा ब्रिजा और जिसमें से एस क्रॉस भी एक है। और आने वाली एस क्रॉस पुराना मॉडल से बड़ी और उससे काफी ज्यादा सही होने वाली है इस बार, जिसमें आपको बहुत ही नए नए फीचर्स और बिल्कुल नए लुक्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग एस क्रॉस के बारे में, कि इसमें हमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या डिजाइन होने वाला है, इसकी सेफ्टी क्या होने वाली है और भी बहुत कुछ। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे अपकमिंग मारुति सुजुकी एस क्रॉस की कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे। और तो पता लगा है कि नई मारुति सुजुकी एस क्रॉस में आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिल जाएगा। जी हां, इसमें आपको ADS मिल जाएगा, जो कि मारुति की पहली गाड़ी होगी जिसमें आपको ADS मिल जाएगा और जो कि सेगमेंट की भी पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसमें आपको ADS मिलेगा। सो काफी सही काम किया मारुति ने इस बार, इसमें आपको ADS दे दिया है, तो काफी मजे आएंगे आपको इसको ड्राइव करने में। और तो बता दूं कि नई एस क्रॉस यूरोपियन मार्केट में सेल होना स्टार्ट भी हो चुकी है, बस इंडिया में आने को तैयार है। इसके सारे फीचर्स कंफर्म हो चुके हैं और ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद रिवाइल करेगी किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, वोल्क्सवैगन टिगुआन, स्कोडा कुशाक, रेनॉल्ट डशन, निसान किक्स, MG एस्टर। और बात करें इसकी दिल इसकी जाने आने की इसके इंजन की, तो इसमें आपको अपकमिंग एस क्रॉस में 1.4 लीटर का बूस्टर पेट्रोल प्लस टर्बोचार्ज इंजन मिलने वाला है, जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जिसमें आपको बेहतर माइलेज और बेहतर पावर मिलेगी, जो कि 127 BHP पावर और 235 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। लेकिन जो इसका टर्बोचार्ज वाला इंजन है उसकी माइलेज थोड़ी कम होगी, तो उसी के लिए लेकर आई मारुति एक और इंजन जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो कि वही सेम विटारा ब्रिजा वाला ही पेट्रोल इंजन होने वाला है, जिसका पावर आउटपुट 104 BHP होने वाला है, टॉर्क 138 न्यूटन मीटर का होने वाला है इसका। और इसके एक्सीलेटर की बात कर लें तो 0-100 ही गाड़ी 9.5 सेकंड में चली जाएगी, जो कि काफी सही है यार। और ये सारे इंजन्स 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएंगे। अब भाई बात कर लें मेन फीचर यानी कि जिसके कारण ये गाड़ी बिकने वाली है, जो कि एक SUV को सही मानों में एक SUV बनाता है। जी हाँ, इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाएगा, जो कि इसके सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं करती। बड़ी बड़ी गाड़ी है, MG हेक्टर भी नहीं देती, लेकिन ये गाड़ी दे रही है तो काफी सही है। इनफैक्ट टाटा सफारी में भी आपको नहीं मिलता है 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, लेकिन इसमें मिल रहा है आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, सो काफी सही है, आप इसे आराम से ऑफ रोडिंग कर पाएंगे। एंड हाँ भाई, अब बात कर लेते हैं इसके लुक्स और डिजाइन की। तो भाई फ्रंट से ये गाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखने वाली है, पिछली वाली गाड़ी से इसको पूरा के पूरा बदल दिया गया है। फ्रंट में आपको इसमें कोई भी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स नहीं मिलेंगी, दुखी मत होइए, इसमें आपको LED लाइट्स मिल जाएगी जिनका थ्रो प्रोजेक्टर से 10 टाइम बेटर होता है, जैसे कि XUV700 का है। तो इसमें आपको अंदर बहुत सारे LED के पार्ट्स मिल जाएंगे जो काफी मस्त लगेंगे, और ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल ही नए DRLs मिलने वाले हैं जो कि काफी अग्रेसिव बना देंगे फ्रंट से इस गाड़ी को देखने में। और नीचे भी आपको बिल्कुल ही नए बम्पर के साथ आपको फॉग लैंप की नई हाउसिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि LED फॉग लैंप ही रहने वाले हैं। और तो फ्रंट में काफी सारे आपको ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि फर्स्ट सेगमेंट होंगे। जी, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, तो फ्रंट में एक कैमरा और अगल बगल एक कैमरा और पीछे भी एक कैमरा रहेगा। और तो फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। अब बात कर लें पीछे की, तो पीछे भी इस गाड़ी को काफी ज्यादा एग्रेसिव बनाया गया है। पीछे इस गाड़ी को बिल्कुल नए टेल लाइट के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे ये गाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखने वाली है। और ऊपर की तरफ इस गाड़ी में आपको शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है, और पीछे की तरफ आपको रियर वाइपर विथ रियर डिफॉगर विथ 4 पार्किंग सेंसर्स और मारुति का बड़ा सा क्रोम लोगो मिल जाएगा, जो कि भाई काफी ज्यादा एग्रेसिव बना देगा इस गाड़ी को पीछे से भी देखने में। और तो और पीछे आपको डुअल एग्जॉस्ट पाइप मिल जाएगी, जिससे इस गाड़ी का साउंड इसके सेगमेंट में सबसे ज्यादा मस्त हो जाएगा। और भाई साइड की लुक की बात कर लें, साइड से गाड़ी एकदम काते लगने वाली है, बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगने वाली है। साइड से इस गाड़ी में आपको 17 और 18 इंच दोनों के अलॉय व्हील्स ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि भाई बिल्कुल ही नए डिजाइन के अलॉय व्हील रहेंगे, जिसका डिजाइन काफी ज्यादा अग्रेसिव होने वाला है। और तो और साइड से इस गाड़ी को बहुत ज्यादा हद तक चेंज किया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये थोड़ी बहुत है, बिल्कुल नहीं, इस गाड़ी को पूरा चेंज किया गया है, जिससे ये गाड़ी काफी ज्यादा अग्रेसिव होने वाली है साइड से भी देखने में। और चलिए अंदर की बात कर लेते हैं, तो अंदर आगे आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो कि स्मार्ट प्ले प्रो प्लस ही रहने वाला है, जो कि मारुति सुजुकी बुलेनो में आता है, तो इसमें भी यही आएगा, तो भाई वो भी काफी ज्यादा मस्त लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट प्ले प्रो प्लस अब लगभग मारुति की सभी अपकमिंग गाड़ियों में आएगा, जैसे कि मारुति विटारा ब्रिजा में भी आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस मिलेगा, बुलेनो मिल ही रहा है, और एस क्रॉस में भी आपको मिल जाएगा, जो कि भाई काफी मस्त लगेगा। इसमें आपको बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और इसमें आपको कनेक्टिविटी में ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि किसी ने सोची ना होगी। तो हम कह सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल भी छपरी नहीं होने वाली है, ये गाड़ी छापने वाली है, पूरा छाप देगी, मतलब तगड़ी रहेगी भाई। और साइड में इस गाड़ी में आपको एक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलने वाला है, जो कि डी कट में आएगा, जो कि लेदर अभी
भी रहेगा जो कि यार काफी ज्यादा मस्त लगेगा। जैसे कि आपको बुलेनो में स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, ऐसे ही आपको ब्रिजा एस्क्रॉस में भी स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलने वाला है। और अंदर बैठकर आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं, आपको एक बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग आएगी क्योंकि आपको पूरा बोनट विजिबल रहने वाला है इस बार इस एस्क्रॉस में। और ऐसे कुछ फीचर्स बात कर लें तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है, और तो इसमें आपको मेमोरी सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको वेंटिलेशन सीट वाला भी फंक्शन रहेगा। सो भाई हम कह सकते हैं कि मारुति ने फीचर्स की कोई भी कमी नहीं की है इसमें, तो फीचर्स आपको भर भर के मिल रहे हैं। और हाँ, जो इसमें फीचर्स पहले आते थे वो इसमें कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन इसमें और भी कई सारे फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन भाई इंटीरियर से एक्सटीरियर से इस गाड़ी को पूरा बदल दिया गया है। अब भाई मेन बात कर लेते हैं प्राइस क्या रहेगा भाई इसका और लॉन्च कब होने वाली ये गाड़ी। तो प्राइस अराउंड इस गाड़ी का 9 लाख से 14 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया तक की हो सकती है। और भाई लॉन्च डेट की बात कर ले, सितंबर 2022 को इस गाड़ी को मारुति इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सो आपको अपकमिंग एस्क्रॉस कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आदित्य पांडे, फिर मिलते हैं, टिल डेट टाइम तब तक के लिए जय हिंद।